हाँ जी, कैसे हैं आप? सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 क्रिकेट न्यूज के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करेंगे शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा सकता है, डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के अंदर बहुत ही तेजी से रिकवरी आई है, उसकी इंजरी के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और आप सबके लिए एक खुशखबरी भी है। नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे शुएब मलिक के ट्वीट को, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शान मसूद के बारे में कि शान मसूद के 90% चांसेस है कि उनको इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा, और ना सिर्फ शामिल किया जाएगा बल्कि वो पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको फिर खेलते हुए भी दिखाई देंगे, और अगर ऐसा होता है तो उनको एक साल की जो परफॉर्मेंसेस का सिला भी मिलेगा। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के अंदर शुएब मलिक, शान मसूद, कामरान गुलाम, आजम खान जैसे बैट्समैन लाने की जरूरत है। शुएब मलिक और शान मसूद की एबिलिटी का आपको पता ही है। तो कामरान गुलाम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जो आपको स्ट्राइक रोटेट भी करके देगा, और वो स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों को ही बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है और हिटिंग भी करता है। और आजम खान और आसिफ अली के अंदर मैं आपको डिफरेंस करके बता देता हूं कि आसिफ अली के पास कुछ महदूद शॉट्स हैं और वही वो बार बार शॉट्स खेलते हैं, और एक तरह से वो टेप बॉल शॉट्स हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स को वो सिर्फ वहीं पर ही खेलेगा जो उसने पुराने शॉट्स में खेलता है। और स्पिनर के खिलाफ आसिफ अली बहुत मरतबा फ्लॉप होता है, बहुत ही मरतबा फ्लॉप होता है, और स्पिनर के खिलाफ उसकी एक ही ज़्यादातर शॉट चलती है, वो है स्लो स्वीप, या आगे आकर स्पिनर को हिट कर देता है या खड़े खड़े हिट कर देता है। इसके अलावा उसका स्पिनर को खेलने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं पर आजम खान के बारे में बात करें तो आजम खान की खास बात यह कि वह फास्ट बॉलर्स को बड़े तरीके से खेलता है। आजम खान के फास्ट बॉलर को ड्राइव्स भी खेल देता है, बैकफुट पंचिस भी खेलता है, पुल शॉट भी खेलता है, और छक्के तो फिर मारता है। स्पिनर को आजम खान प्रॉपर टेक्निक के साथ खेलता है, और स्पिनर को आकर वो इनसाइड आउट हर शॉट्स खेल के साथ खेलता है। आसिफ अली से कदरे ज्यादा बेहतर उसके पास शॉट्स हैं। लेकिन अगर हम अपने प्लेयर्स को ये कहते रहेंगे कि भाई आजम खान मोटा है, पर्ची प्लेयर है, उसको उस प्लेयर की वजह से शामिल किया गया है, तो भाई इससे हमारे क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो चलिए बढ़ते अब अपनी अगली न्यूज की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको 2 से 3 वीडियो के अंदर बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और वो भी हाई प्रोफाइल ट्रेनर की जेर निगरानी। और ये भी कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अगले 2 हफ्ते के अंदर नेट्स के अंदर बॉलिंग भी शुरू कर देंगे। इंग्लैंड के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के अंदर बहुत ही तेजी से रिकवरी आई है, और वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर अवेलेबल भी हो सकते हैं या उससे पहले भी। और अगर आप एक मरतबा इमेजिन करें कि वर्ल्ड कप के अंदर अगर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ पाकिस्तानी पेस अटैक के अंदर शामिल होंगे तो पाकिस्तानी अटैक कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अब अपनी अगली न्यूज की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं शुएब मलिक के ट्वीट के ऊपर। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि शुएब मलिक के ट्वीट ने वक्री लड़ाई डाल दी थी सोशल मीडिया पर। एक वो वक्त था कि पाकिस्तानी टीम पर क्रिटिसिज्म पीक पर हो रही थी, और फिर शुएब मलिक के ट्वीट ने 2 ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप तो वो था जो शुरू से ही पाकिस्तानी टीम को गालियां दे रहा था, और दूसरा ग्रुप जो वो था जो गालियां नहीं दे रहा था, मतलब थोड़ी बहुत तनकीद कर रहा था, वो उसने भी शुएब मलिक के ट्वीट के बाद तनकीद करना शुरू कर दी। शुएब मलिक को शायद इस चीज़ का खुद भी अंदाज़ा नहीं कि उसके ट्वीट ने कितनी ज़्यादा नफरत फैलाई है, खासतौर पर बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम के लिए। ए भाई, आपका हक बनता है कि आप राजों से पर्दा उठाएं, चीज़ों का मंजरियाम पर लेकर आएँ, हकीकत का लोगों को बताएं, लेकिन ये राइट टाइम नहीं था। उस टाइम जहाँ पर हमारे अपने प्लेयर्स को बैक करने की जरूरत थी, मानते हैं कि उन्होंने गलतियाँ की है, लेकिन फिर भी बैक करने की जरूरत थी क्योंकि हमारे अपने प्लेयर्स हैं, और वहाँ पर आपने ये ट्वीट किया, आप एज अ प्लेयर ये हरकत की आपने, ये मैं आपसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। आपको मुझे पता है कि आपको कुछ लोग नापसंद करते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के बावजूद, जिन्हों जिसकी वजह से आपको स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये ट्वीट का राइट टाइम नहीं था, आप कुछ दिनों के बाद भी कर सकते थे। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा, जब शुएब मलिक की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, सब यही कहते थे तब कि भाई शुएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर्स को शामिल कर लो, और सेलेक्टर से पूछते थे कि शुएब मलिक को क्यों शामिल किया गया, भाई एक्सपीरियंस प्लेयर है, हमें एक्सपीरियंस देगा। और जब वो उसकी परफॉर्मेंसेज भी दे रहा है और उसको आपको और उसकी आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और तब आप उसको शामिल ही नहीं कर रहे, यार कैसी सिलेक्शन की मिट्टी है हमारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।